आरी आप क्या खा रहे हो? आम। फेस दिखा ना अपने, आप ऐसे आम खाते हो? या आम आप चुरा के लाए हो ना? ये बच्चा देखो अपने आप से आम किचन में से चुरा के लाया और बाहर छत पर बैठ के चुपचाप खा रहा है। मैंने इसको पकड़ लिया। आपको आम खाना आता है? अच्छा लगता है आपको? आज ऐसा कौन खाता है बेटा आम? आम तो है, ऐसे खाता कौन है आम? तो यहाँ पे होने जा रही है गुजिया की तैयारी और मैदा में पड़ रहा है मोहन, घी का, घी तेल का मोहन मैदा गुजिया का पड़ता है। तो यहाँ पे 4 चम्मच मोहन डाल लिया है भाभी ने। मिक्स कर, ठीक है, तो हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से मसल मसल के। तो आज बहुत सारी चीजें बनने वाली हैं, तो क्या क्या बनेगा भाभी? गुजिया बनाएंगे, बनाएंगे बाकी फ्रूट वगैरह सब मम्मी लेके आई है मार्केट से, और जो भी ये चल रहा है सब मार्केट से आ गया है। बस बनाने वाली चीज में भी दो ही चीज बनानी है। ओके, तो तैयार कब होगी? तैयार अभी थोड़ी देर से, इसको बना ले फिर। ठीक है, ओके। मैं आप क्या छाट रही हो एकदम सेब के बालों में? मम्मी आप क्या छाट रहे हो सेब के बाग से अपने? कहीं से पिचके ना हो, कहीं से निशान ना हो, इसलिए अच्छी तरीके साफ सुथरे फ्रूट चढ़ाते भगवान पे। तो मैं तो फोन करके बात क्यों नहीं कर रही हो? अच्छी तो ये इसका गिलास, ये चांदी का गिलास, ये चांदी की कटोरी। दादी रोता बच्चा उठ जाओ। क्या बोल रहे मम्मी? जो जो बड़े मतलब पार्वती पे चढ़ेगा के रूप में दे देंगे। हाँ। पर भोलेनाथ का चढ़ा हुआ नहीं देते किसी को। अच्छा, वो प्रसाद वो खाते हैं जैसे कि मतलब जो घर द्वार अपना छोड़ देते हैं और जो मतलब साधु संत होते हैं वो खा लेंगे, जो उनको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। और भोलेनाथ का चढ़ावा प्रसाद नहीं खाते हैं जैसे बहुत जगह हमने देखा है। और यहाँ पे ये चीनी भूल गई है। और ये पड़ेगा, ये पड़ेगी इस वाले आटे में मीठी पूरी बनाने के लिए जैसे उसमें डाला था। हम इसमें भी घी डालेंगे जैसे गुजिया के ना आटे में डाला था। इसमें हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे है ना मम्मी? बस। वैसे आप लोगों का क्या क्या बनता है हरतालिका तीज पे जरूर बताइएगा। हमारी भाभी के यहाँ जो उनके मायके होता है वो यही होता है, तो भाभी वैसे ही बना रही है। अब ये थोड़ी सी इलायची जो हमने पीस के रखी थी, और ये हमें ये काफी सारा गोला काट के रखे, क्योंकि मीठी पूरी में इसका ही टेस्ट आता है सबसे ज्यादा। बाकी आपके पास चिरौंजी है वो डाल सकते हो। चिरौंजी डाल लो आप लोग। चीनी ये घोल ली थी पहले ही, अब चीनी जो घोल ली थी हाँ वो इसमें डाल लो। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको मार लेंगे, मुलायम मारेंगे कि टाइट? मुलायम ही हो जाता है, मुलायम रहेगा आटा इसका। यानी गुजिया का आटा आपका टाइट मारता है और पूरी का आटा मुलायम, एकदम मुलायम मुलायम रहेगा उतने ही अच्छे बनेंगे। ओके, हमारी चीनी है अभी थोड़ा गरम,
तो हाथों में थोड़ा सा लग रही है, लेकिन आप चाहें तो उबाल के भी डाल सकते हैं। अब अगर हम इसके बाद चीनी अपने हिसाब से डाल के, अगर उसके बाद पानी की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है ना, मान लो अगर आटा नहीं लग पा रहा, चीनी ज़्यादा हो गई है। ये आटा हमारे, ये आटा भी हो गया हमारे पुए बनाने के लिए। और ये गुजिया के लिए। और हम स्टार्ट करेंगे गुजिया वाला आटा, छोड़ कर ढक के रखेंगे ना गीले कपड़े में। गीले में क्या करेंगे, वो तो ऐसे ही टाइट कर देंगे, तो थोड़ा सा नहीं तो सूख जाएगा ना इसको। ये है घर का बना खोया जो कल ही भाभी ने बनाया था। अच्छा, इसमें क्या क्या मिला है भाभी? इसमें किशमिश है और नारियल है, इलायची है और चीनी है। किसी चिरौंजी नहीं डाली इसमें? अपनी फेवरेट चिरौंजी तो डाल लेते हैं। तो यहाँ पे गुजिया सारी तल गई हैं, मम्मी यहाँ पे पुए तल रही हैं। ये बढ़िया से पुए तल गए हैं और गुजिया ये बन गए हैं हमारे। यहाँ पे थाली भी थोड़ी थोड़ी लग गई है, कुछ कुछ सामान अभी इसमें लग गया है, कुछ कुछ अभी बाकी है। और ये देखिए सिंगार का सामान अभी थोड़ा सा लगा दिया हमने, थोड़ा भी इसमें और बाकी है। ये गिलास रखा जाएगा, आचमन वगैरह, ये चांदी गिलास है। और ये बेल पत्तर है, पान है, ये दूध है, चावल है, दही है, दूध है, चंदन है, ये और ये फल फ्रूट है, मूली है, जनेऊ है, सुपारी है, कपूर, ये सारा सामान अभी लगाया है। इधर ये फूल रखे हुए हैं सारे, अभी और भी सामान लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। मम्मी सारी तैयारी करके भाभी को देंगी। इस तरीके से हमारे घर में कोई भी पूजा होती है, मम्मी ही उसकी सारी तैयारी करती है, क्योंकि मेरी मम्मी को पूजा करने का बहुत शौक़ है, उन्हें भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भगवान भाभी ने बनाए थे मिट्टी से, वो शंकर पार्वती जी हैं। अभी गणेश जी से बनाने बाकी हैं, भाभी गणेश जी बनाएंगी, फिर गौर माता बनाएंगी जिससे सुहाग लिया जाता है। तो सारी चीज़ें करके मम्मी सारी तैयारी कर करके रख रही हैं धीरे धीरे, भाभी आकर के पूजा कर लेंगे। जैसे जैसे मम्मी बताएंगी वैसे वैसे भाभी पूजा करती रहेंगी। ये अस्तल वगैरह बना करके मम्मी क्या कहते हैं इसके ऊपर कलश रखेंगी, सारी स्थापना करेंगी। और पहले से पहले मेरी मम्मी सारी चीज़ें ला करके भाभी को दे देती हैं, जिसमें कि पूजा के वक्त किसी चीज़ की कमी ना हो और उस टाइम जाना ना पड़े मार्केट, या ये ना हो कि चलो ये चीज़ नहीं है तो चलो काम चला लेते हैं, ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि मेरी मम्मी को ये लगता है कि पूजा पाठ बहुत ना निष्ठा के साथ और संपूर्ण से करनी चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी केले के पत्ते को एडजस्ट कर रही हैं, जो थोड़ा सा गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा वह सॉफ्ट सा हो गया है तो वो खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन मम्मी लगी हुई है उसको करने में। अब यहाँ पर भाभी बना रही हैं गणेश जी, और गणेश जी छोटे से मिट्टी के बना करके रख रही हैं। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे भाभी बनाएंगी गौर, गौर बना करके अब ये भाभी नहला रही हैं भगवान जी को, पहले दही से, फिर दूध से, फिर शहद से, फिर चंदन से, इस तरीके से सारे पूजन की विधि जो भी होती है करी जा रही है। तो
उसके बाद दूध से अभी नहला रही है पार्वती जी को, नहीं खाली गणेश जी को और शंकर जी को, ऐसा मम्मी कह रही है कि इनको नहलाया जाएगा, अब शहद से नहलाया जाएगा। तो दूध दही शहद चंदन ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं और इस तरीके से नहला करके सारा पूजा पाठ होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ज़रा से भी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आप तक पहुँच सके। देखने को आप वैसे भी देख सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, इस पूजा में 16 सिंगार करे जाते हैं, अपने भी और पार्वती जी के भी। तो पूरा 16 सिंगार का सामान उनको भी चढ़ाया जाता है, और जो भी व्रत रखती हैं, जो भी सुहागनी या कवारी जो भी व्रत रखती है, कवारी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुहागन पूरे 16 सिंगार करती है, क्योंकि 16 सिंगार में आपका सिंदूर और महावर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पूरा सिंगार होता है और उसके बाद ये पूजा में बैठा जाता है। तो इस तरीके से इसके बाद भाभी कथा पढ़ेंगी, जो कथा पार्वती जो शिव जी की होती है वो कथा पढ़ेंगी, और इस तरीके से ये पूजा संपन्न होगी। इसके बाद भी भाभी अभी पानी नहीं पिएगी, पानी वो सुबह जब 4 बजे पूजा करेंगी ना, दोबारा से जब जल देंगी शिव जी को सबको, उसके बाद 4 बजे के बाद पानी पिएंगी। यहाँ पे फूल फल बेलपत्र हर चीज़ से भगवान शिव को जो भी उनके प्रिय होते हैं वो उन पे चढ़ाया जाता है, जो कि पूजा पाठ में लगता है, वो चढ़ा करके बहुत अच्छे से पूजा करी जाती है। माता पार्वती पे कपड़े श्रृंगार का सामान सब कुछ चढ़ाया जाता है, और बहुत मन से इस पूजा को करते हैं सब लोग। बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के पीछे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि के शरीर को तपाया। श्रावण को भाभी यहाँ पे ले रही हैं सुहाग, जो गौर पे सिंदूर चढ़ाते हैं उसी से सुहाग लेते हैं, और मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं कि सुहाग उल्टे हाथ से लेते हैं, वो भी 3 बार। घर में सारे बड़ों के पैर छू करके भाभी आशीर्वाद लेंगी। सबसे पहले मम्मी के पैर छू रही, फिर दादी के, बाबा के, पापा के, इस तरीके से भाभी सबके पैर छू करके सारे बड़ों का आशीर्वाद लेंगी। चलो भाभी, पूजा तो हो गई, अब इसके बाद क्या करोगी? अब मैं आपको मम्मी को खाना दूंगी, उसके बाद हम सोएंगे। अब कुछ नहीं करना, अब सुबह ही करना है, 4 बजे जो भी है। अब पानी नहीं पियोगे? अभी नहीं, हम बस सुबह 4 बजे। तो भाभी ने सुबह से भी पानी नहीं पिया बिल्कुल? 4 बजे नहा धो के
दूसरे दिन जब सुबह 4 बजेगा तब उस दिन तब नहा धो के पूजा करके उसके बाद पानी पिएंगे, तब तक विदाउट पानी, बहुत टफ वाला व्रत। चलो फिर गाइस अभी की पूजा तो हो गई है, सुबह की 4 बजे वाली पूजा आपको दिखाएंगे। और मैंने एक पायल अपनी एक हाथ में एक पैर में पहन रखी है, जो मम्मी ने टोका था इसलिए मैंने हाथ में रखी है। चलो ठीक है, तो अभी हम खा लेते हैं खाना, भाभी तो बेचारी खाएगी नहीं, हम खा लेते हैं खाना और सुबह वाली पूजा की तैयारी करते हैं फिर। ठीक है, हे गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और लेकिन 4 से भी कम का टाइम है, भाभी शॉवर लेने गई हुई है और जुकाम हो गया और अभी पूजा पाठ करके फिर भाभी पानी पिएगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे घड़ी में देख सकते हैं अभी पूरे 4 भी नहीं बजे हैं और पूजा होने शुरू हो गई है हमारी, और इसके बाद भाभी फिर पानी वानी पी पाएगी। और ऐसा ही होता है हरतालिका तीज का व्रत। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जिससे कि आप ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो हमेशा देख पाएँ। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय।